हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने सीरीज़ देखी कलाइडोस्कोप, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसमें 8 एपिसोड्स हैं और जिस तरीके से कलाइडोस्कोप में डिफरेंट कलर मिक्सिंग होती है और फाइनल एक पैटर्न आपके सामने आ जाता है, कोई कलर मिक्सिंग का सीक्वेंस नहीं होता है लेकिन फाइनल पैटर्न अच्छा लगता है, समझ में आता है, उसी तरीके से जो इसके 8 एपिसोड्स हैं, इसमें जो फर्स्ट 7 हैं वो आप किसी भी सीक्वेंस में देखेंगे लेकिन जब आप 8th देखेंगे तो एक पूरी कहानी आपके सामने उभर आएगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है सीरीज़ के साथ और कितना सफल रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, और आप डिसाइड करेंगे कि इसके बाद आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस कलाइडोस्कोप, इसमें दो दोस्त दिखाए गए हैं, पॉप दिखाए गए हैं और रॉजर, ये दोनों दोस्त हैं। जो पॉप है एस्पेजिटो, जो आपने बेटर कॉल सॉल में देखा है, उन्हें ब्रेकिंग बैड में बहुत फेमस है, द बॉयज में देखा है, और ये काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग इन्होंने की है। ये अपनी यंग एज की भी इन्होंने एक ऐसी एक्टिंग करी है कि आप जो इतना बड़ा कैरेक्टर आर्क है इसमें, और मल्टीपल, क्योंकि इनको बाद में पार्किंसन डिजीज़ भी हो जाता है, जिसकी इन्होंने सुपर्ब एक्टिंग करी है। सो ये दोनों मिलकर तिजोरिया तोड़ा करते हैं और एक तरीके से कॉनमैन है, आपको यहाँ पर धूम की याद आ जाएगी। फिर एक ऐसी घटना घटती है कि इन दोनों में मतभेद हो जाता है, अलग हो जाते हैं, फिर एक मजबूरी की वजह से एक और हाइस्ट करना होता है जिसमें उनकी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और इन्हें जेल हो जाती है, बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये किसी तरीके से बाहर निकलते हैं और तब देखते हैं जो इनकी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉजर, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी फॉर्म खोल ली है, और जो ट्रिपलेट्स करके यहाँ दिखाए गए हैं कुछ लोग जो बहुत पावरफुल हैं, उनकी चीज़ें इसने अपनी सेफ में रखी हुई हैं और ये अपने ज़िंदगी का लक्ष्य बना लेता है कि उन्हें इसे बर्बाद करना है, इसकी जो तिजोरियां हैं इनको तोड़नी है, जो एज अ चैलेंज होती है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट से होती हैं वो तिजोरियां पूरे न्यूयॉर्क में या कहें पूरे वर्ल्ड में, बाद में भी आता है। साथ में FBI का एक एंगल भी चलता रहता है जिसमें एक एजेंट इनके पीछे पड़ी रहती है पूरी टाइम पर, और उसका हश्र भी एंड में बहुत अच्छा नहीं होता है। सो यहाँ पर ये जिस तरीके से हाइस्ट में होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन ड्रामा आपको नहीं मिलेगा, एक्शन नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से मनी हाइस्ट में या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस में देखते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आराम से सीक्वेंस धीरे धीरे चलती है सीरीज़, इमोशंस बहुत ज़्यादा है और एंडिंग इतनी अच्छी है जो आप शायद एक्सपेक्ट ना करें, और कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें भी हैं जो भी आपने इसके बारे में नहीं सोची होंगी, तो शॉक भी मिलता है आपको। और एंडिंग मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि शायद आपने किसी भी हाइस्ट सीरीज़ में इस तरीके की एंडिंग नहीं देखी होगी, और चीज़ें लोगों को इकट्ठा करते हैं, चीज़ें इकट्ठा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे, मैंने तो सीधे सीधे देखा है लेकिन देखने के बाद मुझे पता चला कि अगर आप ऊपर नीचे भी करेंगे, मतलब 7 एपिसोड्स को जंबल करके भी देखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक एपिसोड एक एंथोलॉजी की तरह है, जो शुरू करते हैं उसको एंड कर देते हैं एंड में, और एंड वाला जो आप 8th मत पहले देखेगा क्योंकि वो फाइनल चार्म है पूरी सीरीज़ का। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ, सभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे और काफ़ी कुछ इसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। सो डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन, यू कैन गो फॉर दिस। दैट्स इट।